हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 19th ऑफ अगस्त 2023। लेट्स बिगिन टुडेज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विथ मल्टीपल ट्रॉमा हु इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। द नर्स वुड असेस फॉर विच अर्लीएस्ट साइन ऑफ एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। किसी मल्टीपल ट्रॉमा वाले पेशेंट में अगर एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो रहा हो तो सबसे शुरुआती लक्षण प्राइमरी सिम्टम्स क्या क्या होंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बाइलेटरल वीजिंग, ऑप्शन बी इंस्पायरेटरी क्रैकल्स, ऑप्शन सी इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस, ऑप्शन डी इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट। एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ट्रॉमा आदि कंडीशंस के बाद होने वाला सीवियर लंग से रिलेटेड कंडीशन है जिसके बाद क्लाइंट को रेस्पिरेशन में दिक्कत होने लगती है। और रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के होने पर सबसे पहले हमारी बॉडी रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाती है ताकि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन किया जा सके। सो एआरडीएस डिजीज की शुरुआत होते ही क्लाइंट का जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो होता है 12 से लेकर 20 ब्रीथ्स पर मिनट के बीच में होता है और इस कंडीशन के अंदर ये रेट नॉर्मल से ज़्यादा तेज होने लगेगा। बाकी सभी फाइंडिंग्स जो हैं आगे जाकर डिजीज की सीवियरिटी के हिसाब से देखने को मिल सकती है। बट द आंसर इज ऑप्शन डी इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल इन लेबर जस्ट रप्चर्ड मेम्ब्रेन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। लेबर के दौरान जैसे ही मेम्ब्रेन्स का रप्चर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए चेक फॉर फीटल हर्ट रेट, ऑप्शन बी क्वालिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड चेकिंग, ऑप्शन सी चेक कलर एंड ऑडोर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे ही मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं, एमनियोटिक सैक फटता है, बाहर एमनियोटिक फ्लूइड के निकलते ही हम बच्चे की हार्ट रेट को असेस करते हैं और ये पता करते हैं कि बच्चा ठीक है, बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा डिस्ट्रेस में तो नहीं है। दिस इज द प्रायोरिटी। नेक्स्ट, अपगार स्कोरिंग एट विच टाइम पीरियड हैज़ अ मोर प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ नियोनेटल वेलबींग। इनमें से किस समय किया गया अपगार स्कोर मोर प्रिडिक्टिव वैल्यू देता है जिससे नियोनेट की वेलबींग के बारे में हमें पता चले। फर्स्ट मिनट, फिफ्थ मिनट, 10th मिनट, 15 मिनट। वर्जीनिया अपगार द्वारा किसी भी न्यूबॉर्न बेबी की जन्म के समय कैसी स्थिति है, कैसी हेल्थ है, इसे पता करने के लिए अपगार स्कोरिंग सिस्टम दिया गया था। इस अपगार स्कोरिंग को हम जन्म के बाद 1 मिनट और 5 मिनट पर परफॉर्म करते हैं। अब इन दोनों में से आप चुनें कि किस समय बच्चे की बेहतर हेल्थ के बारे में हमें पता चल पाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बच्चे की
हेल्थ के बारे में सटीक जो अनुमान है वो हमें सेकेंड टाइम जब अबकार स्कोरिंग किया जाता है तब पता चलता है। फर्स्ट टाइम जब बच्चे का जस्ट जन्म के बाद अबकार स्कोर किया जाता है तो उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने जब जन्म लिया तो इसकी सभी फंक्शनिंग जो है ठीक से चल रही है या नहीं। अब 3-5 मिनट बाद जब बच्चा थोड़ा बहुत बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा और उसकी बॉडी का इन 5 मिनट्स में कैसा रिस्पॉन्स रहा ये चीज़ उस समय क्लियर होती है। सो 5 मिनट के वक्त जो किया गया अबकार स्कोर है वो बेहतर जानकारी देता है बच्चे की वेलबींग के बारे में। अबकार स्कोरिंग करते समय हम टोटल 5 पैरामीटर्स का असेसमेंट करते हैं जिसमें अपीरियंस, पल्स, ग्रीमेंस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन आते हैं। स्कोरिंग की बात की जाए तो अबकार स्कोरिंग में 0 से लेकर 10 तक हम नंबर्स देते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑफ द बेबी। अगर बच्चे को 7 से लेकर 10 के बीच में स्कोर मिलता है तो इसका मतलब है बच्चा ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी है, ही और शी इज़ इन गुड कंडीशन। और अगर 4 से 6 के बीच में स्कोर मिलता है तो इसका मतलब है कि बच्चे को थोड़ा बहुत मेडिकल असिस्टेंस अटेंशन देने की आवश्यकता है और ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। और अगर अबगार स्कोर 0 से 3 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि हमें इमीडिएटली रीससिटेशन परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि इस बच्चे का सर्वाइवल मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू डेवलप HCG? ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को डेवलप होने के लिए कितने दिनों का समय लगता है? 5 days ऑफ ओव्यूलेशन, 10 to 15 days ऑफ ओव्यूलेशन, 20 to 25 days ऑफ ओव्यूलेशन या फिर नन ऑफ दीज? ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि HCG हार्मोन प्रेगनेंसी अचीव होने के बाद प्लेसेंटा के बनने के बाद प्लेसेंटा द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला हार्मोन है और इस हार्मोन को हम ओव्यूलेशन के बाद 10 से 15 दिन बाद यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन प्लेसेंटा की सेंसियोट्रोपोब्लास्ट सेल्स द्वारा बनाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी अचीव होने के करीब 10 से 15 दिन बाद देखा जा सकता है। HCG हार्मोन को हम ब्लड और यूरिन के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर? इनमें से कौन सी मेडिसिन प्रोटोन पंप इनहिबिटर का उदाहरण है? सुक्रालफेट, पेंटोप्राजोल, फेमोटिडीन, रैनिटिडीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पेंटोप्राजोल। पेंटाप्राजोल नाम की जो मेडिसिन है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल स्टमक एसिड प्रोडक्शन को कम करने में किया जाता है। स्टमक एसिड प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। हमारे स्टमक में मौजूद सेल्स के द्वारा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए HCl जैसे एसिड सिक्रीट किए जाते हैं। इनके सिक्रीशन को कम करने के लिए हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसी मेडिसिन पेंटाप्राजोल का इस्तेमाल किया करते हैं। मोस्टली पेंटाप्राजोल नाम की जो मेडिसिन है इसे हम पेशेंट्स को खाली पेट मॉर्निंग में देते हैं और 40 mg इसकी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डोज के रूप में आती है। नेक्स्ट, व्हेन स्टार्ट हार्ट बीट इन गेस्टेशनल एज? कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी पर यानी गेस्टेशनल एज पर हार्ट बीटिंग शुरू हो जाती है? 3 से 5, 7 से 9, 12 या 40?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। 3 से 5 सप्ताह की एज पर हार्ट अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी हार्ट बीटिंग शुरू हो जाती है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि 21st डे तक या 21st डे पर हार्ट बीटिंग शुरू हो जाती है। 21वें दिन हार्ट अपना फंक्शन शुरू कर देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़ अ एब्सोल्यूट जीरो। इनमें से किस मेजरमेंट स्केल के अंदर एब्सोल्यूट जीरो होता है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। रेशो वह मेजरिंग स्केल है जिसका एब्सोल्यूट जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन टेकिंग ब्लड सैंपल फ्रॉम एड्स पेशेंट, विच प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू कलेक्ट ब्लड सैंपल अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। किसी एड्स के पेशेंट का ब्लड सैंपल लेने के लिए हमें कौन सी सावधानियां अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस बरतनी चाहिए? ऑप्शन ए, हमें सैंपल लेने के लिए ग्लव्स, गाउन और मास्क का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन बी, हैंड वॉशिंग करनी है, स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं। ऑप्शन सी, हैंड वॉशिंग करनी है, गाउन पहनना है, मास्क लगाना है, गाउन और ग्लव्स पहनने हैं। ऑप्शन डी, ग्लव्स पहनने हैं सिर्फ। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से सफरिंग पर्सन का ब्लड सैंपल लेते समय हमें अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हमेशा पहले हैंड वॉशिंग करनी है, गाउन पहनना है, मास्क लगाना है और गॉगल्स पहनने हैं। ये सभी सावधानियां हमें सैंपल लेते समय बरतनी है। नेक्स्ट, साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड ड्रग आर डिस्पोज्ड बाय। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और एक्सपायर्ड ड्रग्स को आप किस मेथड से डिस्पोज्ड करेंगे? डंपिंग, ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन। साइटोटॉक्सिक ड्रग का मतलब होता है ऐसी कोई ड्रग जो सेल्स को डैमेज कर सकती हो, सेल्स के लिए टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हो, तो ये ड्रग साइटोटॉक्सिक है। और ऐसी सभी ड्रग्स जो कि सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए आप इसे एंटी नियोप्लास्टिक या कीमोथेरेपी ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप सिंपली ये बताएं कि ऐसी मेडिसिन जो कि कीमोथेरेपी या फिर एक्सपायर डेट वाली हो, तो उसे आप कैसे डिस्पोज करेंगे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर जला देना, यानी कि बर्न कर देना। ये जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, ये हमें और हमारे एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए हम इन्हें प्रॉपरली डिस्पोज करना ज़रूरी मानते हैं। और इसके लिए इन मेडिसिन्स को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जला दिया जाता है। डंपिंग, ऑटोक्लेव और केमिकल डिसइंफेक्शन, इन मेथड्स के द्वारा इफेक्टिवली इन्हें डिस्पोज नहीं किया जा सकता, सो दे आर नॉट वेरी यूजफुल। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच मीडियम इज प्लेस्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ्लोइंग स्टीम फॉर 30 मिनट्स ईच ऑन 3 सक्सेसिव डेज इज कॉल्ड। आपको उस स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में बताना है जिसमें हम किसी कल्चर मीडिया को लेकर उसे
3 दिन तक 30 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की स्टीम से स्टरलाइज करते हैं। आपने किसी कल्चर मीडिया को लिया, इसे मशीन के अंदर रखा। अब इस मीडियम को, इस कल्चर मीडिया के ऊपर 3 दिन तक लगातार हर दिन 30 मिनट 100 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर वाली स्टीम से इसे वॉश करते हैं। तो इससे इसे कौन सा मेथड कहा जाता है? स्टीम अंडर प्रोसेस प्रेशर, ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन, इंस्पिसेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी, विच फाइंडिंग इफ नोटेड इन द क्लाइंट वुड द नर्स इमीडिएटली रिपोर्ट टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आप एज अ नर्स किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसमें ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी प्रोसीजर किया गया है। इस पेशेंट में कौन सा सिम्टम मिलने पर, कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप तुरंत डॉक्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, यह आपको बताना है। ड्राई कफ, हिमेचूरिया, ब्रोंकोस्पास्म, ब्लड स्ट्रीक्ड स्पूटम। ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्लाइंट के माउथ से एक ट्यूब लाइक इक्विपमेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट करके इंटरनल लाइनिंग आदि का असेसमेंट करते हैं। ये चीज़ ब्रोंकोस्कोपी कहलाती है। कई बार इस ब्रोंकोस्कोपी इक्विपमेंट के आगे हम ऐसे डिवाइस को अटैच करते हैं जो कि इंटरनल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के विजुअलाइजेशन के साथ साथ वहाँ से टिश्यू सैंपल भी कलेक्ट कर सकता हो। ये चीज ब्रोंकोस्कोपी विद बायोप्सी प्रोसीजर कहलाता है। बायोप्सी प्रोसीजर के द्वारा हम बॉडी के किसी हिस्से से लिए गए टिश्यू की सैंपल की जांच करते हैं और उसमें कैंसर है या नहीं इस चीज को कंफर्म पता करते हैं, यानी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए बायोप्सी प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद अगर क्लाइंट में ब्रोंको स्पाज्म आते हैं तो इस बारे में हमें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। जैसे ही क्लाइंट के अंदर ब्रोंको स्पाज्म कंडीशन शुरू होती है, क्लाइंट का जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने लगता है और इसकी वजह से क्लाइंट को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफ़िकल्टी होती है। और अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। इट कैन बी अ फैटल कंडीशन, सो वी मस्ट इन्फॉर्म द डॉक्टर क्विकली। ड्राई कफ और हिमेचूरिया ये कोई बड़ी फाइंडिंग्स नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इस प्रोसीजर के बाद में स्पूटम के साथ हल्का फुल्का ब्लड आ सकता है। प्रायोरिटी वाइज देखें तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पर हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक मेनिनजाइटिस इन अडल्ट इज। पायोजेनिक मेनिनजाइटिस अडल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होती है? एन मेनिनजाइटिस, ई कोलाई, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
एंड मैनिंगजाइटिस का फुल फॉर्म होता है NESSERIA, निजेरिया मैनिंग मैनिंग जाइटाइटिस। ये एडोलेसेंट और यंग अडल्ट्स के अंदर बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ये बेसिकली क्राउडेड एरिया में या क्लोज कांटेक्ट सेटिंग्स के अंदर रहने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा फैलता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक मेनिनजाइटिस इन अडल्ट इज निजेरिया मेनिनजाइटिस। नेक्स्ट, डैमेज टू सेवेंथ एंड एट्थ क्रेनियल सॉरी सेवेंथ एंड एट्थ सर्वाइकल एंड थोरेसिक नर्व रूट लीड्स टू। सेवेंथ और एट्थ जो सर्वाइ नर्व रूट्स हैं उनमें अगर इंजरी हो जाए तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी, क्लम्प के पाल्सी या फिर एरब्स पाल्सी। सेवेंथ सर्वाइकल और एट्थ थोरेसिक नर्व रूट में इंजरी होने पर क्लम्प के पाल्सी हो सकती है, क्लम्प के पाल्सी हो सकती है। क्वेश्चन इज, जाइगोट इज अ टाइप ऑफ सेल। जाइगोट किस प्रकार की सेल है यह आपको बताना है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, बोथ या नन ऑफ दीज। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब स्पर्म और ओवम आपस में यूनाइट होते हैं तब जाइगोट का निर्माण होता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर 2n होता है, 46 होता है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विथ फेरेंजाइटिस, अ थ्रॉट स्वाब वॉज ऑब्टेन्ड एंड सेंट फॉर कल्चर, द यूज्ड स्वाब शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बिन। किसी बच्चे को फेरेंजाइटिस हुआ था यानी गले का इन्फेक्शन हुआ था, आपने इस डिजीज के कॉज को कंफर्म करने के लिए गले से स्वाब लिया, सैंपल लिया, अब इस सैंपल को लैब में भेज दिया कल्चर के लिए। अब वहाँ पर जब हमारे कल्चर का पर्पस पूरा हो जाए तो ये जो स्वाब है इसे किस कलर के बिन के अंदर डिस्कार्ड किया जाएगा? रेड कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस स्वाब को हम येलो कलर बिन के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर असेसिंग पेन इन चिल्ड्रन। किसी बच्चे में पेन का असेसमेंट करने के लिए हमें किस टेक्निक या मेथड का इस्तेमाल करना होता है? ऑप्शन ए पेन असेसमेंट बाय थर्मोमीटर, ऑप्शन बी वॉन्ग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल, ऑप्शन सी विजुअल एनालॉग स्केल, ऑप्शन डी न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। ऑप्शन ए के अंदर थर्मामीटर है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी के अंदर न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है जिसमें हम किसी भी पेशेंट को उसे कितना पेन हो रहा है उसे मार्किंग करने को कहते हैं, उस हिसाब से इसे डिसाइड किया जाता है।
और ये अडल्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पेन स्केल है। फाइनली ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। किसी भी बच्चे में, किसी भी चिल्ड्रन में कितना पेन है, इस लेवल को असेस करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसे वॉन्ग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डाटा इज, किसी डाटा सेट के अंदर, किसी दिए गए बहुत लंबे चौड़े डाटा के अंदर जब कोई संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या ये मोड कहलाता है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर मीडियन है? जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए इस चीज़ को। 1 2 1 3 1 4 1 7 1 0 1 8 1, यहाँ पर ये डाटा दिया गया था। इस डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, डिजिट 1 7 टाइम्स रिपीट हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है और इसे हम मोड के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे मोड कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल इंडेक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल मात्रा को बताने वाला एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किस रेंज के बीच में होता है? 10 से 40, 30 से 50, 5 से 25 या फिर 0 से 10? AFI बोलते हैं इसे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोला जाता है, जो कि प्रेगनेंसी में किसी भी समय एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा के बारे में जानकारी देता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर किसी प्रेग्नेंट वूमेन के अंदर AFI इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से 25 के बीच में है तो ये नॉर्मल मानी जाती है। अगर 5 से एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम है तो इस कंडीशन को हम ओलिगोहाइड्रेमनियोस के नाम से जानते हैं, और अगर 25 से ज़्यादा है तो ये पॉलीहाइड्रेमनियोस कंडीशन के रूप में जाना जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा किसी भी समय टर्म प्रेगनेंसी पर अराउंड 800 से 1000 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, इनमें से एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कौन सा होता है? एम्फिटेमाइन, एड्रिनलिन, सालब्यूटामोल, प्रोप्रेनोलोल। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का मतलब है ऐसी कोई मेडिसिन जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है, हाइपरटेंशन कंडीशन को ट्रीट करने में मदद करती है, और ऐसी मेडिसिन का नाम है ऑप्शन डी प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल जो है एक बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है। इट इज़ अ बीटा ब्लॉकर कैटेगरी ड्रग और ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में इस्तेमाल की जाती है, बीपी को डिक्रीज करने में मदद करती है। किसी भी मेडिसिन के पीछे अगर आपको LOL लोल लगा मिले तो इसका मतलब है वो बीटा ब्लॉकर कैटेगरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रोसेस डिजाइंड टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम रीचिंग अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट? किसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहुंचने से रोकने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? स्टरलाइजेशन, डीकंटेमिनेशन, डिसइंफेक्शन या फिर असेप्सिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम।
देखिए, स्टरलाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छी टेक्निक मानी जाती है किसी भी आर्टिकल को स्टरलाइज करने के लिए। इसके उपयोग के बाद किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एरिया या आर्टिकल में नहीं मौजूद रह पाता, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिकंटेमिनेशन का मतलब होता है किसी भी कंटेमिनेटेड यानी गंदे ऑब्जेक्ट को साफ करना, डिकंटेमिनेशन करना। डिसइन्फेक्शन का मतलब होता है किसी जगह में मौजूद इन्फेक्शन को हटाना। लेकिन जो असेप्सिस टर्म है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में यानी किसी साफ साफ सुथरी जगह पर, क्लीन एरिया में या क्लीन आर्टिकल पर किसी भी प्रकार के कंटेमिनेशन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहुँचने से रोकते हैं। आपने ये चीज़ बार बार पढ़ी, सुनी, देखी होगी प्रैक्टिस के दौरान के हमेशा जब भी आप क्लाइंट के अंदर कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर करें, जैसे कि कैथेटर लगा रहे हैं आप, यूरिनरी कैथेटर लगा रहे हैं क्लाइंट में, तो हमेशा आपको असेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है। असेप्टिक टेक्निक का मतलब यही होता है कि बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन पर्सन की बॉडी तक या फिर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट तक ना पहुंचे। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल लाइन फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू, इनमें से किस ब्लड वेसल के अंदर सेंट्रल लाइन इंसर्ट की जाती है? ऑप्शन ए लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ऑप्शन बी राइट सबक्लेवियन वेन, ऑप्शन सी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ऑप्शन डी जुगलार आर्टरी। सेंट्रल लाइन वह इक्विपमेंट या डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी पेशेंट की बड़ी वेन्स के अंदर ब्लड ब्लड या मेडिसिंस को लंबे समय तक डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल लाइन का जो इंसर्शन है वो आपके वेन्स के अंदर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और हमेशा जो वेन आप सेलेक्ट करेंगे इन ऑप्शंस के हिसाब से राइट सबक्लेवियन वेन प्रिफर्ड होगी। राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर सेंट्रल लाइन कनेक्ट करके फ्लूइड डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सेप्ट, इनमें से एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ फीटल टेम्परेचर, ऑप्शन बी अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस, ऑप्शन सी प्रोवाइड्स प्रोटीन टू फीटस, ऑप्शन डी शॉक एब्जॉर्बर। प्रेगनेंसी के दौरान मदर के यूट्रस के अंदर बच्चे के चारों तरफ एक लिक्विड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है। इस लिक्विड को, इस फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड के रूप में जानते हैं, जिसकी टर्म प्रेगनेंसी पर कुल मात्रा 800 से 1000 ml के बीच होती है। अब आपको ये बताना है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड हमने यहाँ ड्रॉ किया है इसका क्या काम नहीं होता। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, गौर से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन वन के अंदर कहा गया है कि ये बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। बच्चे के लिए जो आइडल टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड काम करता है, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड से और बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाने में इस फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल होता है। सो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी में कहता है कि बच्चा इस फ्लूइड के अंदर आराम से फ्री मूवमेंट कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। बच्चा प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड में जितना ज़्यादा मूवमेंट करता है उतनी ज़्यादा बेहतर उसकी ग्रोथ होती है। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि ये बच्चे को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एमनियोटिक फ्लूइड का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो फीटल यूरिन के द्वारा बना होता है और इसमें प्रोटीन कंटेंट नहीं होता, सो ये बच्चे को प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करवाता।
ऑप्शन डी में कहा गया है कि ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, यानी अगर बच्चे मदर के पेट पर बाहर से कोई चोट लगे, डैमेज हो, इंजरी हो, तो वो इंजरी या प्रेशर बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ही ये इंजरी मदर के एब्डोमेन एरिया पर पहुंचेगी, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके फोर्स को डाइवर्ट कर देगा और बच्चा अंदर सेफ रहेगा। ये एक तरह से एक शॉक एब्जॉर्बर है, जैसे गाड़ी के अंदर आपके शॉकर लगे होते हैं, जब किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आप गुजरते हैं तो जो भी शॉक गाड़ी में लगने होते हैं वो शॉकर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और आपको बहुत ही स्मूथ फील होता है। उसी तरह से ये एमनियोटिक फ्लूइड भी होता है जो किसी भी प्रकार की चोट को बच्चे तक नहीं पहुंचने देता, बच्चे को सेफ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोजिशन वुड बी बेस्ट फॉर द क्लाइंट अंडर मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमरॉइडेक्टॉमी? अगर किसी क्लाइंट को मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर हेमरॉइडेक्टॉमी की जा रही है तो इसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी? लिथोटॉमी, प्रॉन, सुपाइन, नी चेस्ट? हेमरॉइडेक्टॉमी हेमरॉइड्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सर्जरी है, पाइल्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाने वाला सर्जरी है। इस सर्जरी के लिए जो बेस्ट पोजीशन है वो यहाँ पर ऑप्शन ए लिथियम के रूप में देखी जाएगी। लिथोटॉमी पोजीशन देने के लिए हम क्लाइंट को कुछ इस प्रकार से प्लेस करते हैं। इस प्रकार से क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन देकर उसके पैरों को इस प्रकार से स्ट्रिप्स का यहाँ सपोर्ट देकर हवा में रखा जाता है और इस पोजीशन में लाने से क्लाइंट का जो ये पेरिनियम एरिया है ये पूरी तरह से विजुअलाइज हो जाता है और हम इजीली हेमरॉइडेक्टॉमी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट शुड बी मॉनिटर्ड इन पेशेंट ऑन रिफैम्पिन? अगर रिफैम्पिन ड्रग किसी पेशेंट को दी जा रही है तो इससे कौन सा साइड इफेक्ट हो सकता है ये आपको बताना है। स्किन रैशेस, हेडेक, जॉन्डिस, गिडीनेस? रिफैम्पिन मेडिसिन एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है जो कि टीबी आदि जैसे डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी क्लाइंट को रिफैम्पिन डी ड्रग दी जाती है तो इससे उस पेशेंट के अंदर हिपेटोटॉक्सिसिटी डेवलप होने की संभावना रहती है। ये ड्रग हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है और अगर क्लाइंट में लीवर में प्रॉब्लम होगी, हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होगा, तो इससे क्लाइंट के अंदर जॉन्डिस जैसी फाइंडिंग डेवलप हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि रिफैम्पिन ड्रग कैन कॉज जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव परफॉर्म्ड अपर जीआई एंडोस्कोपी ऑन अ HPSAG पॉजिटिव पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू स्टरलाइज द स्कोप? आपने किसी HPSAG पॉजिटिव पेशेंट में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की एंडोस्कोपी की। अब इस एंडोस्कोपी प्रोसीजर के बाद जो एंडोस्कोप है उसे किस सॉल्यूशन की मदद से आप स्टरलाइज करेंगे, साफ करेंगे? हाइपोक्लोराइट, ग्लूटरेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लूटरेल्डिहाइड। जितने भी एंडोस्कोप्स होते हैं उन्हें स्टरलाइज करने के लिए 2% ग्लूटरेल्डिहाइड सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं HBSAG डिजीज क्या है।
HBsAg ये एक प्रोटीन है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की सरफेस पर पाया जाता है। अगर किसी क्लाइंट को हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्शन हो जाता है तो इस वायरस की सरफेस के ऊपर, इसकी सतह के ऊपर एक HBsAg नाम का प्रोटीन पाया जाता है। HBsAg नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसे हम आइडेंटिफाई करके ये कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को HBsAg या हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हेपेटाइटिस एक लीवर डिजीज़ है जिसमें लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसकी फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाती है, और हेपेटाइटिस बी का जो कॉज है, हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन माना जाता है। इस हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसे HBsAg टेस्ट का नाम दिया जाता है। इस टेस्ट में हेपेटाइटिस बी वायरस की सरफेस पर पाया जाने वाले HBsAg नाम के एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रांसमिशन जो है, या इस HBsAg डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है, वो ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, कंटेमिनेटेड निडिल या किसी भी कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट के द्वारा हो सकता है। हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें इस डिजीज़ से बचाने के लिए पहले ही वैक्सीन्स लगा दिए जाते हैं। HBsAg का वैक्सीन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, द करेक्ट पोजीशन टू पाल्पेट द एपिकल पल्स इज एट द, अगर किसी क्लाइंट में आपको एपिकल पल्स का असेसमेंट करना हो तो किस जगह पर आप अपने फिंगर्स को पाल्पेट करेंगे? ऑप्शन ए, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ऑप्शन बी, राइट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ऑप्शन सी, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ऑप्शन फोर, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेवेंथ इंटरकोस्टल स्पेस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट के अंदर आपको एपिकल पल्स का असेसमेंट करना है, तो आप इस पेशेंट के कंधे वाले हिस्से में जो ये क्लेविकल बोन है, इस क्लेविकल बोन के बिल्कुल मिडिल पार्ट पर नीचे की तरफ आएंगे और जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उस जगह पर अपना जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम है उसे रखेंगे। यहाँ से आपको एग्जैक्ट पल्स मिलेगी, एपिकल पल्स मिलेगी। एपिकल पल्स को हम मोस्ट एक्यूरेट पल्स के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा, तीन बातें आपको याद रखनी है एपिकल पल्स के असेसमेंट के दौरान। सबसे पहला, ये लेफ्ट साइड के अंदर हमें फील होगी बॉडी के। दूसरी बात, हमें मिड क्लेविक्यूलर लाइन को फॉलो करना है और स्टेथोस्कोप को मिड क्लेविक्यूलर लाइन पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एरिया पर रखना है और फिर हमें एपिकल पल्स पूरी तरह से मिल जाएगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोविंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाल्पेशन ऑफ ईस्चियल स्पाइंस ड्यूरिंग लेबर इज नॉट ट्रू। आपको इन चारों में से ईस्चियल स्पाइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है उसे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, इट डिटरमाइंस द स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इन द पेल्विस। ये पेल्विस के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट के स्टेशन को बताने में मददगार है। ऑप्शन बी, इट डिटरमाइंस द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ कैविटी। ये
पेल्विक कैविटी के ट्रांसवर्स डायमीटर को डिटरमाइन करवाता है। ऑप्शन सी, इट सेलेक्ट्स द साइट टू एडमिनिस्टर प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक। ये प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक को एडमिनिस्टर करने के लिए साइट सिलेक्शन में हेल्प करता है। ऑप्शन डी, इट डिटरमाइन कैपेसिटी ऑफ पेल्विक ब्रिम। ये पेल्विक ब्रिम की कैपेसिटी के बारे में बताता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। आप इस्चियल स्पाइन को पालपेट करके पेल्विक ब्रिम की कैपेसिटी को नहीं पता कर सकते। इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके अलावा सभी सही हैं। आइए प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। लेबर या डिलीवरी प्रोसेस के दौरान जब बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि हेड डिलीवर हो रहा होता है तो मदर को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, या आप यूँ कह सकते हैं लेबर की सेकेंड स्टेज में जब फीटस डिलीवर हो रहा होता है तो उस समय मदर को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा होता है। इस पेन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए हम एनेस्थीसिया ड्रग का उपयोग करते हैं, और ये एनेस्थीसिया जो ड्रग है वो प्यूडेंडल नर्व के अंदर एडमिनिस्टर कर दी जाती है, और यही वो नर्व है जो कि वेजाइनल और पेरिनियम एरिया से सेंसेशन को कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट हु हैज़ अंडरगॉन अ मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट हैज़ परसिस्टेंट ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इंसिशनल ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। किसी पेशेंट में आपने मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी की, अब इस सर्जरी के लिए एक्सटर्नल एरिया में चेस्ट के सामने वाले हिस्से में इंसीजन जहाँ लगाया गया था वहाँ से लगातार ब्लीडिंग हो रही है। अब इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद इंसीशनल साइट से पेशेंट को लगातार ब्लीडिंग हो रही है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस हैं, आप उन सभी को सेलेक्ट करें। ऑप्शन ए कहता है एडमिनिस्टर वॉरफेरिन। ऑप्शन बी कहता है चेक पोस्ट ऑपरेटिव सीबीसी आईएनआर पीटीटी प्लेटलेट लेवल्स। ऑप्शन सी कहता है कंफर्म अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। ऑप्शन डी कहता है मॉनिटर द मीडिया स्टाइनल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। ऑप्शन ई कहता है स्टार्ट डोपामाइन ड्रिप फॉर सिस्टोलिक बीपी लेस देन 100। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करेंगे। यहाँ पर जो वॉरफेरिन ड्रग बताई गई है ये एक एंटी कॉगुलेंट मेडिसिन है, यानी इस मेडिसिन को देने के बाद ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते और क्लाइंट में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्लाइंट को पहले ही ब्लीडिंग हो रही है तो क्या आप ये मेडिसिन देना चाहेंगे? डेफिनेटली आपका जवाब होगा नहीं। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो हम एंटी कॉगुलेंट मेडिसिन जैसे कि वॉरफेरिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि हम पेशेंट के अंदर सीबीसी आईएनआर पीटीटी प्लेटलेट लेवल इन सब का असेसमेंट करेंगे, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें
ऑपरेशन के बाद पेशेंट में ब्लीडिंग क्यों हो रही है इस बारे में जानकारी चाहिए। हो सकता है ये कोग्यूलोपैथी की वजह से हो रहा हो, एबनॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म या क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी की वजह से हो रहा हो, या हो सकता है कि पर्सन की बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है, इस वजह से ये ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है। तो हमें कारण पता करना होगा। इसके लिए हम CBC, INR, PTT, प्लेटलेट आदि के लेवल की जाँच करेंगे। ऑप्शन 3 के अंदर कहा गया है कि हम हमारे पास ब्लड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं इस चीज़ का असेसमेंट करेंगे, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन भी है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर क्लाइंट में ब्लीडिंग हो रही है तो हमारे पास ब्लड प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल होने चाहिए, ताकि ब्लड लॉस की स्थिति में, सीवियर ब्लीडिंग की स्थिति में पेशेंट हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल ना हो जाए। इसे प्रिवेंट करने हेतु ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सके। तो हमें जैसे ही ब्लीडिंग होने लगेगी इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि हमारे पास ब्लड अवेलेबल है या नहीं। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है कि हम मीडिया स्टाइनल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को मॉनिटर करेंगे, इसका असेसमेंट करेंगे। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब भी हम पेशेंट में मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो सर्जिकल एरिया से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को, फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है। इस चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज या मीडिया स्टाइनल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की फंक्शनिंग को असेस करना यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से इस हिस्से में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो रहा, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस तो इसमें नहीं हो रहा, या कहीं कार्डियक टेम्पोनेट कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही। इन सभी चीज़ों का यहाँ पर असेसमेंट ज़रूरी है। आखिरी ऑप्शन आता है, स्टार्ट अ डोपामाइन ड्रिप फॉर सिस्टोलिक बीपी लेस देन 100। अगर क्लाइंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg से कम हो जाए तो हमें डोपामाइन ड्रिप स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है, इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है तो हम डोपामाइन का इस्तेमाल करके बीपी बढ़ाते हैं, ये बात सही है। लेकिन इस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हमें ब्लीडिंग के कॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर काम करना होगा, जिसके बाद धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी मेंटेन किया जा पाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर डोपामाइन ड्रिप स्टार्ट करना ब्लीडिंग के रिस्क को और बढ़ा सकता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवीरेपाइन इज गिवन इन प्रेगनेंसी। नेवीरेपाइन जो मेडिसिन है उसे प्रेगनेंसी के दौरान क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट मीजल्स, ऑप्शन बी टू रिड्यूस वायरल लोड इन HIV इन्फेक्शन, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट रूबेला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेवीरेपाइन ग्रुप की मेडिसिन को प्रेगनेंसी के दौरान एडमिनिस्टर करने से जो HIV वायरस का वायरल लोड है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ ये मदर टू चाइल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज को प्रिवेंट करती है। माँ से बच्चे में HIV वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने और वायरल लोड को कम करने के उद्देश्य से नेवीरेपाइन मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल कलेक्टिंग ब्लड फॉर सैंपल्स यू हैव स्पिल्ड सम ऑन द फ्लोर, व्हाट वुड बी द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम। किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते समय कुछ ब्लड अचानक से फ्लोर पर गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है, तो इस सिचुएशन में नेक्स्ट स्टेप आपके द्वारा कौन सा लिया जाएगा? ऑप्शन ए कॉल द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ऑफ द हॉस्पिटल, ऑप्शन बी मॉप इट, ऑप्शन सी कवर इट विथ 1% हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन डी क्लीन विथ एब्सॉर्बेबल मटेरियल।
बहुत ही सावधानी से आंसर दीजिएगा। ब्लड का सैंपल लेते समय थोड़ा सा ब्लड अगर फर्श पर गिर जाता है तो हम इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को नहीं बुलाएंगे। मॉप इट यानी कि आप जो घर में पोछा लगाते हैं, फ्लोर को क्लीन करने के लिए गीले कपड़े का यूज़ करते हैं, वो चीज़ मॉप कहलाती है। आपको यहाँ डायरेक्टली पोछा नहीं लगाना है, मॉप नहीं करना है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब इन दोनों में से चूज़ करिए बड़े ही सावधानी से आंसर को। एम्स लेवल का क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। अगर आप ऑप्शन सी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है इसे समझ लेते हैं। जैसे ही जैसे मान लीजिए ये आपका फ्लोर है, फर्श है हॉस्पिटल का, इस पे अचानक से यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड गिर गया, ये ब्लड गिर गया, तो अब इसके ऊपर क्या आप 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे? जैसे ही फ्लोर पर ब्लड गिरा, आप 1% सोडियम क्लोराइड बॉटल से निकाल कर क्या इसके ऊपर गिरा देंगे? ऐसा करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप किसी ऐसी चीज़ से फर्श पर गिरे ब्लड को साफ करेंगे जिससे ये ब्लड एब्जॉर्ब हो जाए, यहाँ से हट जाए। तो आप किसी ऐसे एब्जॉर्बेबल मटेरियल का यूज़ करेंगे जिससे इस ब्लड को फर्श से हटा दिया जा सके, और जब ये ब्लड यहाँ से हट जाएगा तो जो फर्श बचेगा उसे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड की मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, फर्श को 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की मदद से क्लीन करेंगे, ना कि उसके ब्लड जो ब्लड गिरा है उसके ऊपर इस सॉल्यूशन का डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज एडवाइजिंग अ क्लाइंट अबाउट रिस्क एसोसिएटेड विथ फेलिंग टू सीक ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट फेरेंजाइटिस कॉज्ड बाय बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस फॉर व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम इज द पेशेंट एट रिस्क। आपके पेशेंट को बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ था। इस इन्फेक्शन से उसका जो फेरिंग्स है वो प्रभावित हुआ था, यानी उसे फेरेंजाइटिस कंडीशन हुई थी। अब आपके इस पेशेंट ने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया या ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, तो इस पर्सन को आगे कौन सी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है? एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी पर्सन को बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से गले में इन्फेक्शन हो जाए, यानी फेरेंजाइटिस हो जाए, और वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाए, तो उसे कौन सी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है? अस्थमा हो सकता है उसे आगे, एनीमिया हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, या फिर रेस सिंड्रोम हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस डिजीज होने की संभावना होती है अगर पर्सन बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हुए फेरेंजाइटिस कंडीशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाए तो। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये बैक्टीरिया गले से निकलकर ब्लड में मिक्स होकर हार्ट तक पहुंच जाएगा, और हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसे आप एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं, जो कि हार्ट की इंटरनल लाइनिंग और वॉल्व की इंटरनल लाइनिंग को भी बनाती है, ये बैक्टीरिया हार्ट की इस लेयर में जाकर इन्फेक्शन कॉज करेगा जिससे हार्ट की अंदर वाली लेयर में इन्फ्लामेशन आ जाएगी, और यही चीज़ एंडोकार्डाइटिस के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट द हेड इज अरेस्टेड एट द लेवल ऑफ। प्रेगनेंसी पीरियड में यदि बच्चे का डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होता है तो उसका जो हेड है वो किस जगह पर रुकेगा, फंसेगा, अरेस्ट होगा? ईशियल ट्यूबरोसिटी पर, ईशियल स्पाइन पर, इनलेट ऑफ पेल्विस पर, या फिर पेरिनियम में?
ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट में हेड जो है ईस्चियल स्पाइन के लेवल पर अटकता है, अरेस्ट होता है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट हु हैज अंडरगॉन सब टोटल थायरॉइडेक्टॉमी इज सब्जेक्ट टू कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर सर्जरी। द नर्स शुड ऑब्टेन एंड कीप एट द बेड साइड टू। किसी पेशेंट के अंदर सब टोटल थायरॉइडेक्टॉमी प्रोसीजर किया गया है, यानी पेशेंट की थायरॉइड ग्लैंड का एक हिस्सा सर्जरी द्वारा काट कर रिमूव कर दिया गया है। इस सर्जरी को परफॉर्म करने के बाद पहले 48 घंटों में पेशेंट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है, जिसके लिए हमें एज अ नर्स अलर्ट रहना है और इसके लिए आवश्यक इक्विपमेंट्स को बेड साइड पर अवेलेबल करना है। ऑप्शंस आर बिनाइन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, सॉरी बिगिन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, स्टार्ट अ कट डाउन इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर ट्यूब फीडिंग्स, परफॉर्म अ ट्रेकियोस्टोमी। सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी प्रोसीजर के बाद क्लाइंट के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यूज नियर थायरॉइड ग्लैंड, और इसकी वजह से क्लाइंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है और क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। इसलिए थायरॉइडेक्टोमी प्रोसीजर के बाद में हम ट्रेकियोस्टोमी सेट को बेड के पास अवेलेबल रखते हैं, ताकि पेशेंट को जैसे ही रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफ़िकल्टी हो, हम तुरंत इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म कर दें। ट्रेकियोस्टोमी बेसिकली हमारे नेक एरिया में फ्रंट साइड के अंदर बनाई गई एक ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू एमरजेंसी में हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। हमारी ट्रेकिया में आर्टिफिशियल ओपनिंग का बनाना ट्रेकियोस्टोमी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ बीटाडीन टैबलेट थ्रू इंट्रावेजाइनल रूट कम्स अंडर। इंट्रावेजाइनल रूट से यदि बीटाडीन टैबलेट इस्तेमाल की जाती है तो ये किसके अंतर्गत आता है? लोकल रूट, सिस्टेमिक रूट, दोनों या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आप बीटाडीन की टैबलेट को इंट्रावेजाइनली रख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे लोकल वेजाइनल एरिया में इफेक्ट देखने को मिलेगा, सो ये लोकल रूट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट, एन एचआईवी पॉजिटिव मैन इज ब्रॉट टू यू फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, हाउ वुड यू डिस्कार्ड हिज ब्लड सोक्ड ड्रेसिंग मटेरियल? एक एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। अब हॉस्पिटल आने से पहले इस पर्सन का किसी ने फर्स्ट एड किया था, उसके घाव पर पट्टी लगाई थी। हॉस्पिटल पहुंचने पर ये पट्टी या ड्रेसिंग जो ब्लड में भीगी हुई है, ब्लड सोक्ड है, उसे आप कैसे डिस्कार्ड करेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है पोर 1% हाइपोक्लोराइट ऑन ड्रेसिंग मटेरियल एंड सेंड फॉर इंसिनरेशन। ड्रेसिंग मटेरियल पर 1% हाइपोक्लोराइट डालकर इसे इंसिनरेशन यानी जलाने के लिए भेज देंगे। ऑप्शन बी पोर 5% हाइपोक्लोराइट ऑन ड्रेसिंग मटेरियल एंड सेंड फॉर इंसिनरेशन, 5% हाइपोक्लोराइट डालकर इंसिनरेशन के लिए भेज देंगे। पुट द ड्रेसिंग मटेरियल डायरेक्टली इन अ एप्रोप्रिएट बैग एंड सेंड फॉर इंसिनरेशन।
इस ड्रेसिंग को किसी एप्रोप्रिएट बैग में पैक करके इंसिनरेशन के लिए भेज देंगे। ऑप्शन डी, 4-10% नॉन क्लोरिनेटेड केमिकल ऑन द ड्रेसिंग मटेरियल एंड सेंड फॉर इंसिनरेशन। 10% नॉन क्लोरिनेटेड केमिकल डालकर ड्रेसिंग मटेरियल पर इसे इंसिनरेशन के लिए सेंड कर देंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। HIV पॉजिटिव पेशेंट के ब्लड से सोक्ड ड्रेसिंग मटेरियल को हम एप्रोप्रिएट बैग में भरकर सीधे इंसिनरेशन के लिए भेज देंगे, यानी जलाने के लिए भेज देंगे। यही इसका प्रॉपर डिस्पोजल माना जाएगा। नेक्स्ट, विच डिजॉल्विंग मेडिसिन सॉरी व्हेन डिजॉल्विंग मेडिसिन एक्सीडेंटली निडल स्टिक इन मिडल फिंगर, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन। मेडिसिन को डिजॉल्व करते समय अचानक आपकी मिडिल फिंगर में निडल चुभ जाती है, निडल इंजरी हो जाती है, तो इस सिचुएशन में सबसे सही एक्शन आप क्या लेंगे? ऑप्शन ए, हैंड स्क्रब विथ सोप एंड वाटर फॉर 5 मिनट्स। आप हाथ को पानी और साबुन की मदद से लगातार 5 मिनट तक साफ करेंगे, धोएंगे। हैंड वॉश विथ बीटाडीन। इन्फॉर्म द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। स्क्वीज द पंचर्ड फिंगर। आप जिस जगह पर इंजरी हुई है उस फिंगर को दबाएंगे। एक्सक्यूज मी, नीडल स्टिक इंजरी होने पर कभी भी हाथों को बीटाडीन से धोना सही ऑप्शन नहीं माना जाता। नीडल स्टिक इंजरी के बाद में ब्लड बाहर निकालने की कोशिश करना, फिंगर को स्क्वीज करना, दबाना, ये सही एक्शन नहीं है। आप सबसे पहला जो एक्शन लेंगे वो ये होगा कि आप तुरंत पानी और साबुन की मदद से अपने हाथ को धोएंगे, लगातार सोप एंड रनिंग वाटर से हैंड वॉशिंग करेंगे फॉर मिनिमम 5 मिनट्स। उसके बाद आप चाहें तो जो आपके सीनियर्स हैं या फिर जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो ये सेकेंड प्रायोरिटी में रहेगा। फर्स्ट एक्शन आपका होना चाहिए कि आपको हैंड वॉशिंग करना है, ताकि किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन अगर वहाँ मौजूद है तो वो वहाँ से वॉशिंग के थ्रू बाहर निकल जाए और फर्दर इन्फेक्शन होने की संभावना खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेसिफिक कॉन्क्लूजन फ्रॉम सेट ऑफ आइडियाज इज नोन एज। सेट ऑफ आइडियाज में से एक स्पेसिफिक कॉन्क्लूजन को निकालना किस प्रोसेस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन बी, डिडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन सी, आइडियलिज्म। ऑप्शन डी, लॉजिकल रीजनिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में बहुत सारे आइडियाज शुरू में होते हैं, उन आइडियाज को वन बाय वन एनालिसिस करके कम करते जाते हैं और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग आइडिया को चुनते हैं, एक स्पेसिफिक कॉन्क्लूजन निकाला जाता है। ये चीज डिडक्टिव रीजनिंग के रूप में जानी जाती है। डिडक्ट करना किसी भी चीज़ को घटाना होता है, तो धीरे धीरे बहुत सारे सेट ऑफ आइडियाज से किसी एक सेट ऑफ आइडिया पर फाइनली पहुंचना, कंक्लूजन निकालना डिडक्टिव रीजनिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट,
A client is admitted to the emergency department with severe abdominal pain. A radiograph reveals a large abdominal aortic aneurysm. The primary goal at this time is to emergency में patient hospital में admit हुआ. Assessment करने पर इस patient में abdominal aortic aneurysm condition है ये identify होता है. अब इस condition में सबसे जरूरी action या goal कौन सा होगा ये आपको select करना है. Option A start CPR, ऑप्शन बी मैनेज पेन, ऑप्शन सी प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एमरजेंसी सर्जरी, ऑप्शन डी टीच पोस्ट ऑपरेटिव ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एमरजेंसी सर्जरी. एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म कंडीशन का मतलब होता है हमारी एरोटा का किसी एक विशेष एरिया से फूल कर गुब्बारे की तरह बड़ा हो जाना साइज में. इट इज अ बैलूनिंग बैलूनिंग ऑफ आर्टरी. अगर हमारी ब्लड वेसल आर्टरी किसी जगह से गुब्बारे की तरह फूल कर बड़ी हो जाए ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ब्लड तो ये कंडीशन एरोटिक एन्यूरिज्म के नाम से जानी जाती है. और अगर ये एब्डोमिनल एरोटा में होता है तो ये एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के रूप में जानी जाती है. अब ब्लड के लगातार दबाव की वजह से ये एक लिमिट तक फैले फूलेगी और अगर इससे ज़्यादा इस पर दबाव पड़ा तो हो सकता है ये आर्टरी यहाँ से रप्चर हो जाए फट जाए. और आर्टरी अगर रप्चर होगी तो कितना ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा. यानी पर्सन के अंदर सीवियर ब्लीडिंग होने का रिस्क है और ब्लड लॉस की वजह से क्लाइंट शॉक में जा सकता है और फिर उसकी डेथ तक हो सकती है. तो एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म आइडेंटिफाई होते ही हम क्लाइंट को इमरजेंसी सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं. दिस इज द करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर पीडियाट्रिक एड्स. पीडियाट्रिक एड्स कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए इनमें से कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाएगी. प्रोकेन पेनिसिलिन, नेविरापाइन, एजिथ्रोमाइसिन, एसाइक्लोवीर. ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेविरापाइन जो मेडिसिन है ये एक एंटी रेट्रोवायरल ग्रुप की मेडिसिन है जो कि एचआईवी वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है रोकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ यॉर्क सैक ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज एक्सेप्ट. इनमें से कौन सा फंक्शन यॉर्क सैक द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता. न्यूट्रिशन सप्लाई, फॉर्मेशन ऑफ गट, फॉर्मेशन ऑफ जेनाइटीलिया, फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. यॉर्क सैक के द्वारा जेनाइटीलियास का फॉर्मेशन नहीं किया जाता. इसके द्वारा न्यूट्रिएंट सप्लाई, फॉर्मेशन ऑफ गट मींस इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन किया जाता है. नेक्स्ट, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेल्यूशनल डिसऑर्डर. इनमें से कौन सा ऑप्शन डेल्यूशनल डिसऑर्डर का एग्जांपल है. ट्रेस, कैपग्रास सिंड्रोम, डिसोसिएटिव फ्यूज, गैंसर सिंड्रोम. डेल्यूशन शब्द का मतलब होता है
किसी व्यक्ति को अनशेकेबल फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ का हो जाना, यानी पर्सन किसी ऐसी गलत चीज को सही मान लेता है जो कि वास्तव में गलत है। अब आप इसे कितने भी फैक्ट्स दिखाएं, कितना भी उसे बदलने की कोशिश करें, वो इसे नहीं बदलता। ये चीज डेल्यूशन है। अनशेकेबल फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ इज नोन एज डेल्यूशन। और यहाँ पर इस प्रकार के डेल्यूशनल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है ऑप्शन बी में बताया, कैपग्रास सिंड्रोम। कैपग्रास सिंड्रोम के अंदर पर्सन को ये लगता है कि उसके किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त को किसी और पर्सन ने रिप्लेस कर दिया है, यानी उसके करीबी दोस्त रिश्तेदार का कोई हमशक्ल है जिसने उसके असली रिश्तेदार या दोस्त की जगह ले ली है, उसकी पहचान उसने ले ली है और उसे कहीं गायब कर दिया गया है। ये चीज, ऐसा फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ जो है कैपग्रास सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी दैट इन्वॉल्व्स केयर एंड हेल्प्स थ्रू विच द क्लाइंट अटेंड टोटल सेल्फ केयर इज। आपको इन ऑप्शन से उस ऑप्शन या उस थ्योरी को सेलेक्ट करना है जिसकी मदद से क्लाइंट या पेशेंट टोटल सेल्फ केयर के गोल को पूरा कर पाता है। ऑप्शन ए नाइटिंगेल्स थ्योरी, ऑप्शन बी ओरेम्स थ्योरी, ऑप्शन सी पेप्लाउस थ्योरी, ऑप्शन डी मेडलेनर थ्योरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ओरेम्स थ्योरी। ओरेम्स थ्योरी को हम सेल्फ केयर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ओरेम्स ने जो थ्योरी दी थी उसे हम सेल्फ केयर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड है। नाइटिंगेल्स थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा एनवायरमेंटल थ्योरी दी गई थी जिसमें हम पेशेंट की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए उसके आसपास मौजूद एनवायरमेंट को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि एयर, फूड, लाइटिंग आदि की प्रॉपर व्यवस्था करते हैं जिससे क्लाइंट को धीरे धीरे बेनिफिट मिलने लगता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 12 मई को हुआ था। इनके जन्मदिन पर हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। इनकी डेथ 13 अगस्त को हुई थी और इनकी डेथ का जो कारण था वो था कॉलेरा डिजीज। ऑप्शन सी के अंदर जो पेप्लाउ थ्योरी लिखी गई है, ये हिल्देगार्ड पेप्लाउ ने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी दी थी। पेप्लाउ थ्योरी, या इसे आप लिख सकते हैं इंटर पर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी। ये सभी बेसिक थ्योरीज हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी? एनवायरमेंटल थ्योरी। ओरेम ने कौन सी थ्योरी दी थी? सेल्फ केयर थ्योरी। और पेप्लाउ ने कौन सी दी थी? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, प्री प्रोसीजरल प्रिपरेशन फॉर एमआरआई इंक्लूड। किसी क्लाइंट में एमआरआई करने से पहले आपको कौन सा प्री प्रोसीजरल प्रिकॉशन इस्तेमाल करना होता है? ऑप्शन ए एनीमा, ऑप्शन बी प्रोस्थेसिस और पेसमेकर, ऑप्शन सी एनी नोन एलर्जी टू एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी वाइटल मॉनिटरिंग।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई टेक्निक की मदद से हम बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग और उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर एमआरआई की जाने वाली होती है तो हमें इस बात को सबसे पहले कंफर्म करना होता है कि इस पेशेंट के शरीर में किसी भी प्रकार का मेटल से बना कोई डिवाइस, जिसे आप प्रोस्थेसिस कह सकते हैं, या फिर पेसमेकर तो नहीं लगा है, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी लेनी होती है। अगर पेशेंट की बॉडी में कोई भी मेटल से बना इक्विपमेंट, प्रोस्थेसिस या पेसमेकर लगा होता है, तो हम उसे एमआरआई रूम में जाने की अनुमति नहीं देते, उसका हम एमआरआई नहीं करवा सकते। हाँ, अगर विशेष कंडीशंस हैं तो जिस जगह से उसकी बॉडी में पेसमेकर या प्रोस्थेसिस लगाया गया था, वहाँ से आपको ये डिटेल्ड रिकमेंडेशन लाना होता है, उनसे ये पूछना होता है कि ये जो डिवाइस है, ये बॉडी के अंदर जो पेसमेकर लगाया गया है, ये एमआरआई के लिए कंपेटेबल है या नहीं, यानी कि इस पेसमेकर के साथ पेशेंट की एमआरआई करवाई जा सकती है या नहीं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास, आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।